Good morning, dear students. Myself, Ms. Deepthi from Tips Corral Park. In today's lecture, we are going to read about Geography Chapter 6, Agriculture, Crops and Agriculture Development. So first of all, we are going to read what is arable land. Arable lands are those lands on which crops are grown. So arable lands, in other words, we can say ki wo land hai jo ki krishi यानी कि खेती करने के योग्य हो, उस लैंड को हम कहते हैं अरेबल लैंड्स. ठीक है. अबाउट 10% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ इज अरेबल लैंड. द फर्टिलिटी ऑफ लैंड वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन. जोग्राफिकल इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस द क्रॉप्स विच कैन बी और आर ग्रोन इन ए पर्टिकुलर रीजन. सो एग्रीकल्चर मेनली डिपेंड करती है हमारी लैंड पे, लैंड की फर्टिलिटी पे बहुत डिपेंड करती है. उसके बाद में एग्रीकल्चर डिपेंड करती है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पे, डिफर करती है कि वहाँ पर कैसी ज़मीन है, क्लाइमेट कैसा है, लैंड कैसी, ये सब कुछ है. उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर देखा जाता है कि भी लोग की भी कैसी खेती बाड़ी की जाती है जिससे उनकी इकोनॉमिक फ़ायदा हो सके. और सोशल फैक्टर्स भी होते हैं कि वहाँ के लोगों के रीति रिवाज कैसे, लोग कैसे क्या खाना पसंद करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि भी कहीं किसी जगह पे कैसी एग्रीकल्चर किया जाता है. मेजर क्रॉप्स. द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रोइंग रैपिडली. टू मीट इट डे टू डे नीड, वी नीड अ वराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन. सम क्रॉप्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. Now, very important thing is agro-based industry. What is an agro-based industry? Agro-based industries are those industries which depend on agriculture for their raw materials, like cotton industry. Agro-based industry, wo industries hain jo ki apne रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं. जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री हुई, जिसमें कॉटन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, मीन कपास यानी कि कॉटन, तो वो कहाँ से मिलता है हमें, वो हमें मिलता है एग्रीकल्चर से. सो कॉटन इज अ कॉटन इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वी कैन से. सो क्रॉप्स आर क्लासिफाइड एज अंडर नंबर वन सीरियल्स. सीरियल्स का मतलब होता है ग्रेन्स यानी कि अनाज. तो इसमें आ जाएगा राइस, वीट, माइज एंड मिलेट्स. पल्सेस, पल्सेस यानी कि दालें आपकी, जैसे ग्राम, उड़द, मूंग, अरहर एंड मसूर. ऑयल सीड्स जिनसे ऑयल निकलता हो उनको हम ऑयल सीड्स कहते हैं. मस्टर्ड यानी कि आपके सरसों का तेल, सरसों. ग्राउंडनट, मूंगफली, सिसमन, तिल एंड सनफ्लावर, सूरजमुखी का. फाइबर्स, कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स, ये फाइबर्स होते हैं, ये रेशेदार. बेवरेज यानी कि ड्रिंक्स, टी एंड कॉफीज. नेक्स्ट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द राइस. राइस इज अ स्टेपल डाइट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. स्टेपल, STAPLE, स्टेपल यानी कि रोज का खाना, डेली का खाना है. आमतौर पर लोगों का ये ज़्यादातर ये खाते हैं. तो हाफ, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेपल डाइट इज राइस. मोर देन 100 कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड प्रोड्यूस मोर देन 10,000 वराइटीज ऑफ राइस. अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड राइस इज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम्ड इन एशिया. एशिया में वर्ल्ड का 90% राइस का प्रोडक्शन किया जाता है और उसको खा भी लिया, कंज्यूम भी कर लिया जाता है सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट में. द नेटिव प्लेस ऑफ राइस इज इंडिया. इंडिया में सबसे पहले राइस का प्रोडक्शन शुरू हुआ था और बाद में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आगे बाद में इसकी क्रॉप को उगाना शुरू किया. इट यूज्ड टू ग्रो नेचुरली इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयन माउंटेंस. हिमालयन माउंटेंस में ये नेचुरली ग्रो करती थी, फुट हिल्स पे, जिनको हम शिवालिक रेंज भी कहते हैं, वहाँ पर.
राइस नीड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. इट नीड्स इनफ वाटर वेदर फ्रॉम रेनफॉल और फ्रॉम इरीगेशन. द क्ले लोमी इज द मोस्ट सुटेबल सॉइल. Rice need level land so that water can keep standing for some days in the field. Most of the farming operation are done manually. Rice के लिए geographical conditions कैसे हैं? Climatic conditions सबसे पहली बात आती है. Climatic condition आती है कि hot और humid कलर climate होना चाहिए वहाँ पर. वहाँ पर यह बहुत अच्छी तरह grow करता है. Number two, इसकी वाटर की जो वाटर चाहिए होता है, इसको बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए. एट द टाइम जब इसको उगाया जा रहा हो उस टाइम पे इसको वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है. एट द टाइम ऑफ प्लगिंग एंड ग्रोइंग सीजन के समय पे इसको प्लांट को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो ये रेनफॉल वाटर पे भी डिपेंड करता है या फिर आप इरीगेशन के थ्रू भी इसको वाटर प्रोवाइड किया जाता है. इसके लिए जो सैंड्स बहुत सॉइल बहुत अच्छी है, दैट इज क्लेई लोमी सॉइल. क्लेई लोमी सॉइल वो सॉइल है जो कि पानी को ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करती है, पानी में को अब्जॉर्ब नहीं करती, पानी में खड़ी मतलब कि चिकनी सी हो जाती है, चिकनी मिट्टी सी होती है उसको. वो सॉइल इसके लिए बेस्ट होती है. एंड देन राइस नीड लेवल लैंड. लेवल लैंड एक बिल्कुल स्पार्ट जगह होनी चाहिए जहाँ पर इसको ग्रो किया जाए ताकि पानी वहाँ पर खड़ा हो सके कुछ समय के लिए. और इसकी ज़्यादातर जो फार्मिंग है वो हैंड से ही की जाती है क्योंकि इसको देखो जैसे यहाँ पर दिखाया पिक्चर में दिखाया गया है कि भी एक आदमी इसको प्लांट को लगा रहा है. तो यहाँ पे एक इसको एक स्पेसिफिक दूरी पे इसको लगाना होता है तो ह्यूमन बींग्स ही लगाते हैं इसको. तो इसको मैनुअली काम किया जाता है राइस में. देन इसके बाद में थस इट इज़ द वाइडली ग्रोन इन द थिकली पॉपुलेटेड areas. About 600 million tons of the rice is produced from about 115 million hectares of land. Asia account for about 90% of total rice production in the world. ये हमने पहले भी बताया हुआ है. और वर्ल्ड की पॉपुलेशन का जो है थिकली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ जो है जैसे कि इंडिया हुआ, चाइना हुआ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा राइस ही उगाए जाते हैं. और वर्ल्ड की वर्ल्ड में जो पूरा पॉपुलर वर्ल्ड की बात की 600 मीट्रिक टन्स राइस का प्रोडक्शन किया जाता है जिसमें से 150 मिलियन हेक्टर लैंड्स पे उगाया जाता है. तो चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस. Who is the largest producer? China is the largest producer, followed by India, Indonesia, Bangladesh, Japan, Korea and other countries in the South and Southeast Asia. तो mainly ये जो rice है ये आपकी Asian countries में और ज़्यादातर उगाया जाता है. इसके अलावा कहाँ उगाया जाता है? Other countries हैं like Egypt, Brazil, Argentina, USA, Nigeria, etc. में भी इसको उगाया राइस की प्रोडक्शन की जाती है. इन सम पार्ट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश टू और थ्री क्रॉप्स ऑफ रेयर राइस कैन बी ग्रोन इन ए ईयर.